हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पार्ट टू के छात्र हैं और आप का जो फॉर्म नंबर है जो पार्ट टू में फिल किए थे, उस फॉर्म नंबर को आप भूल गए हैं और जो आप फॉर्म फिल किए थे वो कॉपी जो था वो कॉलेज में ही जमा कर दी, तो वो कॉपी भी आपके पास नहीं रहा। तो इसलिए आप किसी कारणवश से उस फॉर्म नंबर को नोट नहीं कर सके और उसका फॉर्म नंबर है जो भूल गए हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो आपको जो फॉर्म नंबर है वो कैसे मिलेगा, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, जब आपने ऑनलाइन किया था जो पार्ट टू का फॉर्म फिल किए थे, तो उसमें एक आप ईमेल आईडी डाले थे, तो जो ईमेल आईडी होता है उसमें आप जो भी ईमेल आईडी डाले होंगे, तो उस ईमेल आईडी में एक मैसेज आया होगा पेमेंट का। उस पेमेंट का जो ईमेल आईडी में मैसेज आया, उसमें एक ऊपर में ट्रांजैक्शन आईडी लिखा हुआ है। जो ट्रांजैक्शन आईडी है तो उसको ध्यान से देखिएगा। उसको ध्यान से देखने के बाद जो लास्ट का दो डिजिट है उसको हटा दीजिएगा। तो हटाने के बाद क्या होता है कि जो दो डिजिट लास्ट का हटा देंगे इंड का, ये आपका फॉर्म नंबर हो जाएगा। तो दोस्तों, जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैंने दो लास्ट डिजिट का हटा दिया और ये मेरा पहले का फॉर्म नंबर है, तो देखिए फ्रेंड्स, सेम टू सेम हो जाता है। यानी कि जो ट्रांजैक्शन आईडी है उसका लास्ट में दो डिजिट हटाने पर जो इंड का दो डिजिट होता है उसको हटा दीजिए और बाकी जितना जो आपका फॉर्म नंबर हो। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।